हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो एक न्यूज आई है वो आई है मेरी नाथुला पास के बारे में। तो हम नाथुला पास की लोकेशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी पासेज वगैरह के बारे में मैच द फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चन से वो पूछती रहती है। तो ये देखिए, मेनली नाथुला पास से ये सिक्किम और मेनली तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नाथुला पास कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये भी सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि पहले डोकलाम का इशू था, तो उस टाइम पे भी नाथुला पास की जो यात्रा थी, जो लोग तिब्बत में मानसरोवर यात्रा के लिए जाते थे, कैलाश से मानसरोवर यात्रा के लिए इंडिया से, वो एक्चुअली नाथुला पास को क्रॉस करते हुए इस रूट से जाते थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मानसरोवर यात्रा के लिए एक अहम रूट था वो नाथुला पास से होते हुए। तो नाथुला पास है वो इंडिया का स्टेट सिक्किम और तिब्बत जो चाइना का एक स्टेट ऑटोनोमस प्रांत है वहाँ का, उस दोनों के बीच में एक टूरिस्ट एक रास्ता है वो प्रोवाइड करता है नाथुला पास। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अहम है। और ये यहाँ पे जो एरिया ही है डोकलाम का, डोकलाम एक ट्राई जंक्शन का एरिया है जिसमें एक साइड है ये इंडिया का मतलब बॉर्डर है यहाँ पे, और एक साइड यहाँ पे भूटान का बॉर्डर, और एक साइड यहाँ पे चाइना एंड तिब्बत का। तो ये ट्राइल लोकेशन थी, ये भी हमने पहले काफ़ी डिस्कस की हुई है। और ये देखो यहाँ पे आती रहती है चुंबी वैली। तो चुंबी वैली की लोकेशन यूपीएससी पूछ सकते हैं कि चुंबी वैली किन किन के बीच में। तो चुंबी वैली है वो इंडिया के सिक्किम और भूटान के जस्ट बीच का जो रास्ता है उसको चुंबी वैली के नाम से जाना जाता है, ये चुंबी वैली है। तो ये लोकेशन भी हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो दो तीन पॉइंट, एक तो आते हैं कि मानसरोवर लेक, क्योंकि यहाँ पे मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के लोग यात्रा पे जाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि मानसरोवर लेक से कौन कौन सी रिवर है वो निकलती हैं। इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मानसरोवर लेक से निकलती हैं। और आपको बता दूँ कि मानसरोवर जो लेक है वो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बेसिक एक दो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे देख लिए। तो नाथुला पास की लोकेशन भी हमने देख ली है, चुंबी वैली की लोकेशन देख ली है, और यहाँ पे हमने मानसरोवर लेक के बारे में एक दो पॉइंट थे वो देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। और सॉरी, यहाँ पे आता है सबसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी, हम अभी एक साथ ही देख लेते हैं। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया को इंडिया का जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट करने के लिए काफ़ी छोटा सा सकड़ा सा रास्ता है, इसको मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि सिलीगुड़ी यहाँ पे जगह है तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये देखो आप पतली सी जगह है, इस साइड देखो ये जो रीजन है ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया ये मेनली बांग्लादेश का है, और इस साइड जो ये एरिया दिख रहा है ये दिख रहा है आपको मेनली नेपाल का, और यहाँ पे इंडिया। तो काफ़ी सकड़ा सा रास्ता हो जाता है, इस रास्ते को बोलते हैं मेनली, इस कॉरिडोर को बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर। तो ये चीज भी हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज आई है वो आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखो न्यूज एक्चुअली है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया है। अब गूगल पे फाइन क्यों लगाया है वो देखते हैं, और क्या इसका काम है वो देखते हैं। देखो सीसीआई ने ये कहा है कि जो गूगल है वो गूगल क्या करता है कि अपने सर्च इंजन के अलावा काफी सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल का फोन भी आता है, गूगल की मैक जो लैपटॉप है वो भी आते हैं, काफी सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। तो गूगल क्या करता है कि अपने सर्च इंजन में अपने ही प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी से दिखाता है। जैसे कोई भी आदमी सर्च करता है कि लेटेस्ट लैपटॉप बाई लेटेस्ट स्मार्टफोन, तो उसमें क्या गूगल अपने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देता है ना कि बाकी प्रोडक्ट्स को। तो इससे होता क्या है, इसके होता है कि जो और भी जो प्रोडक्ट होते हैं जो कंपटीशन में होते हैं वो आगे नहीं आ पाते, तो उनके बिजनेस को नुकसान होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने फाइन लगाया गूगल पे। अब देखते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह मेनली लोगों के या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इनके जो हित हैं, इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा है वो करता है, और एक तरीके से आपस में फेयर और जो ट्रांसपेरेंट जो कंपटीशन है उसका माहौल है वो तैयार करता है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उसको यह प्रमोट करता है। मतलब आपस में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ट्रेड में ऐसा नहीं हो कि वो भेदभाव किया जाए, कोई कंपनी वो अपनी मोनोपोली रखी ऐसा कुछ नहीं करने देता है। तो मोनोपोली वगैरह को कंट्रोल करता है, इसके साथ एक अच्छा माहौल रखता है कि सभी जो भी कोई नई कंपनी, कोई छोटी कोई भी चाहे कंपनी हो वो अपने आप एक तरीके से अपनी ग्रोथ होकर, मतलब कंपटीशन बनाने का ये माहौल है वो तैयार करता है। वो देखना कि एक क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी है जो कि एक स्टेचुरी बॉडी आती है, 2003 में इसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया वो रीजन भी हमने देख लिया कि इसका काम क्या है। इसके आगे बात यह कि इसके एक चेयरमैन होते हैं इसमें और 6 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। तो देख लेते हैं कि हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है वो है क्या। देखो सबसे पहली बात यह है कि यह जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के नाम से जारी किया गया है। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखना है कि नीति आयोग, और नीति आयोग के साथ वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो भी इसमें शामिल, तो इन तीनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज नहीं होना कि यूपीएससी पूछ सकती है इन चीज़ों के बारे में कि नीति आयोग के द्वारा है नहीं, बट ओनली नीति आयोग के द्वारा नहीं है, ये चीज़ हमें यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है।
है क्या इसमें? देखो इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के, जो यूनियन टेरेटरीज हैं, उनमें हेल्थ सर्विसेज के लिए कैसा स्टेटस उठाया गया, किस तरीके के उन्होंने स्टेप उठाया, मतलब हेल्थ सर्विस को फोकस किया गया कि स्टेट हैं वो हेल्थ के लिए कितना अच्छे स्टेप उठाए हैं, किस तरीके से अवेयरनेस फैला रहे लोगों में, किस तरीके के लिए नई फैसिलिटीज़ हैं लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इंडेक्स है वो जारी किया गया है। और इसमें जो टॉप लेवल पर आई है वो आई है केरला, पंजाब और तमिलनाडु। तो केरला, पंजाब और तमिलनाडु हैं, इनकी जो हेल्थ सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्थिर है, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है इनकी, इसकी वजह से इनको टॉप पे रखा गया है। तो देखो सारे तो हमें याद नहीं रखने, बट एक दो के पॉइंट्स ध्यान रख लेना कि किसके द्वारा है जारी किया गया, तो वो पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे था नाथुला पास, तो वो हमने देख लिया कि मानसरोवर यात्रा और सिक्किम और तिब्बत के बीच में, वो बेसिक पॉइंट था। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज आई है वो आई है मेनली इकोनॉमी के बारे में, आज वो है बेस रेट और MCLR। तो MCLR क्या है? MCLR है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो हम दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। देखो कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि RBI ने भी ये प्रावधान किए हैं कि 1 अप्रैल से MCLR जो रेट है वही अप्लाई होगी बेस रेट की जगह, तो उस चीज़ को लेके हैं। अब पहले तो हम देखते हैं कि बेस रेट है क्या और क्या ऐसा क्या है। देखो बैंक होते हैं, उनके पास कस्टमर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो फिर बैंक उस पैसे को क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में देते हैं। तो अगर बैंक उस पैसे को लोन की फॉर्म में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बैंक भी चाहेंगे, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बैंक क्या करेंगे, अपने जैसे खर्चा वगैरह वो भी निकालने की कोशिश करेंगे, और कस्टमर को भी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो कि कस्टमर को अगर बैंक है वो 4-5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बैंक का भी कुछ खर्चा हो रहा है, बैंक की भी कर्मचारी, उनको भी सैलरी देनी होती है, तो मतलब बैंक क्या करेगा, बैंक के लिए एक फिक्स प्राइस हो जाएगी, भाई इससे कम रेट पर बैंक है वो दूसरे लोगों को लोन नहीं दे सकता, जबकि जो कॉर्पोरेट ग्रुप है उनके लिए डिसाइड हो जाएगा कि हाँ भी 7% से अगर बैंक कम लोन 7% से कम रेट पर अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को लॉस हो रहा है। तो मतलब एक मिनिमम रेट होती है, उसको बोलते हैं बेस रेट, कि भाई इस रेट से नीचे कोई भी बैंक है वो लोन नहीं दे सकता इस रेट के बाद ही। और देखो बेस रेट होती है, उससे फिर बाकी रेट कनेक्ट होती है, जैसे बैंकों में आपको होम लोन की अलग रेट होती है, कार लोन की अलग रेट होती है, इसके साथ टू व्हीलर की अलग लोन की अलग रेट होती है, स्टूडेंट लोन की अलग रेट होती है। बट आपको बता दूं कि सारी जो रेट होती है ये अलग अलग, ऐसा नहीं कि बैंक हमेशा हर को अलग अलग डिसाइड करते हैं, सिस्टम ऐसा होता है कि जो बेस रेट होती है वो एक बार बैंक अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई ये बेस रेट है हमारी 8% है 9% जो भी है, इसके बाद में बाकी जो रेट होती है ना वो कनेक्ट होती है, इसमें फिक्स पहले से सेट होता है कि वैसे बेस रेट है उसमें प्लस 2.5% है वो तो जगह स्टूडेंट लोन, और बेस रेट में प्लस 1% है वो जाएगा होम लोन। तो इस तरीके से क्या है कि सारी जो ये स्प्रेड होते हैं फिक्स होती हैं आगे से, ये बैंक अपने आप डिसाइड करके रखते हैं। तो अगर बैंक जैसे कि बेस रेट चेंज करते हैं तो बाकी रेट है वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा प्रोग्राम या जो भी उनकी सेटिंग होती है वो तैयार की हुई होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की बेस रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर ही बैंक है वो बाकी आगे लोन वगैरह देते हैं, और बेस रेट ही बैंक वो चेंज करते हैं। अब देखो होता क्या है कि रेपो रेट वगैरह जैसे RBI चेंज करती है तो उस कंडीशन में बैंक क्या ही काफ़ी बार इनको चेंज नहीं करते हैं बेस रेट वगैरह को, तो उससे होता है कि जो RBI की मॉनिटरी पॉलिसी है वो प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि RBI तो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत रेगुलेट करना चाहती है, बट बैंक क्या है कि बेस रेट को चेंज करते नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जो RBI का जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता ढंग से। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी RBI ने सोचा कि क्यों ना जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है इसको इम्प्रूव किया जाए, और उसी के लिए लेके आई थी RBI को लेके आई थी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो अब इसमें आपको यही याद रखना UPSC के लिए मेनली पॉइंट वही आता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो बेस्ड लेंडिंग रेट है MCLR रेट है, इसमें मेनली जो बेस रेट की तय है बट उसका एक एडवांस फॉर्म है, और इसमें रेपो रेट वगैरह को भी फोकस किया जाएगा कि बैंक है वो बेस रेट जैसे डिसाइड कर देते उसी तरीके से बैंक है अब बेस रेट की जगह MCLR रेट यूज करेंगे, और इस रेट के अंदर रेपो रेट को उन्हें काउंट करना होगा, क्योंकि देखो बेस रेट में बैंक है वो अपने आप डिसाइड कर रहे थे अपनी मर्जी से, बट MCLR में गवर्नमेंट ने RBI ने प्रावधान रखा कि भाई आप है वो रेपो रेट को भी आपको इसमें काउंट करना होगा, और रेपो रेट पता आपको कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसी के बेसिस पे अभी उनको अपडेट करना होगा हर महीने। ये एक्चुअली RBI के द्वारा नए प्रावधान है, ये गवर्नमेंट ने RBI ने इसलिए लेके आई है ताकि देखो जो बैंक है वो प्रॉपर ढंग से काम कर सके, और इससे फेयर एक जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो माहौल बन सके। तो बेस रेट भी हमने डिस्कस की और MCLR भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, तो रेपो रेट वगैरह भी हमने यहाँ पे जो था वो देख लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ थी, वो थी SpaceX फाल्कन हैवी के बारे में। तो क्या ये न्यूज़ है इसके बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ये है कि जो SpaceX है वो एक्चुअली US की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट की वो है इसरो, और US की NASA है, तो उसी तरीके से US की एक प्राइवेट एजेंसी है उसका नाम है SpaceX। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और फाल्कन हैवी है वो उसका एक सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब एक लॉन्चिंग व्हीकल है, सॉरी सेटेलाइट लॉन्चिंग नहीं, मतलब उसको मैनली दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकता है, किसी इंसान वगैरह को भेजने के लिए और वैसे भी। तो ये फाल्कन हैवी उसका एक स्पेस क्राफ्ट है, मैनली स्पेस क्राफ्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि SpaceX का है और फाल्कन हैवी उसी का एक मतलब नया जो आप बोल सकते हो कि स्पेस जेट एक विमान है, तो उसको लेके न्यूज़ थी तो हमने यहाँ पे देखी।
अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है राष्ट्रीय व्योश्री योजना के बारे में, RVY। तो देखो राष्ट्रीय व्योश्री योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लेके आई गई है। क्यों लेके आई गई है? हमारे देश में क्या है, देखो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी एज हो जाती है, तो उनके बाद क्या है कि उनको काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या है कि उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनके दांत वगैरह वो काम नहीं कर पाते हैं, उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, उनको खाने पीने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, चल फिर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट देना चाहती है। अब देखो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके तो पेंशन वगैरह कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो लोग BPL एरिया में, मतलब जो BPL एरिया में सीनियर सिटीजन है, जो BPL लेवल पर जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनको क्या है एक्चुअली, जैसे कि वॉकर्स वगैरह हुए या फिर हेडिंग एड्स हुए या फिर ट्राईपोर्ड या व्हीलचेयर वगैरह, ये जैसी फैसिलिटीज हैं फिजिकल एड, ये उनको मिल नहीं पाती क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है ना वो इस लाइक कैपेबल होते हैं कि वो उन चीज़ों को खरीद सकें। तो मेनली BPL जो सीनियर सिटीजन है उनको फ्री प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय व्योश्री योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलेगी है। कौन सी मिनिस्ट्री वो हमने देखा, और इसमें जो फंड आएगा, जो पैसा यूज होगा वो होगा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से। तो यह स्कीम आई है, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। मेनली BPL सीनियर सिटीजन है उनको फ्री जो फिजिकल एड है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दिए जाएंगे ताकि वो अपनी लाइफ हो आराम से, आरामदायक लाइफ है वो जी सकें। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आगे हम रिवाइज कर लेते हैं। आज पहले देखो, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया वो क्या, नाथुला पास के बारे में, चुंबी वैली की लोकेशन है डोकलाम के बारे में। इसके बाद में हमने आगे देखा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक क्यूसिट जुडिशरी स्टेचुरी बॉडी है, 2003 में इसे बनाया गया था। उसका काम क्या है, इसका काम मैंने लिया है कि इंडिया में एक फेयर ट्रांसपेरेंट जो कंपटीशन है उसका माहौल तैयार करना, और जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन है वो बढ़ सके इंडस्ट्री सेक्टर में। इसके बाद में हमने डिस्कस किया हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, जो कि नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एक ज्वाइंट, मतलब एक इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें मेनली हमारे कंट्री के जो स्टेट और यूनियन टेरेटरीज हैं उनकी हेल्थ सर्विसेज का प्रदर्शन है वो किया गया कि भाई किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद में हमने बेस रेट और MCLR के बारे में अच्छे से डिस्कस किया कि MCLR है वो मेनली बेस रेट की तरह ही है, और इसमें मिनिमम ये प्रावधान हो गया है कि भाई गवर्नमेंट जैसे RBI अगर कोई भी रेपो रेट वगैरह कुछ चेंज कर रही है तो MCLR में उन चीज़ों को फोकस किया जाएगा और ब्याज रेट वगैरह उनकी कटौती उसी के बेसिस पे की जाएगी। ये हमने डिस्कस किया और इसे अपडेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट रेपो रेट चेंज करती है तो ऑब्वियसली MCLR वो अपने आप चेंज हो जाएगी। पहले क्या था, बेस रेट थी वो रेपो रेट से कनेक्ट नहीं होती थी तो इसलिए वो चेंज नहीं होती थी, जबकि MCLR में क्या कि रेपो रेट से कनेक्ट होती है तो ऑब्वियसली इसे अपने आप चेंज किया जाएगा। तो एक तरीके से यह जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसको इंप्रूव करेगा। इसके बाद में हमने SpaceX के बारे में देखा कि जो कि एक US की स्पेस प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और फाल्कन हैवी उसका एक स्पेस जेट है, उसके बारे में हमने पॉइंट देखा, जो कि अभी सबसे हैवीएस्ट स्पेस व्हीकल है जो कि स्पेस में व्हीकल्स वगैरह को, जो भी और ट्रांसमिशन वगैरह चीज़ों को लेके जाएगा। इसके बाद भी हमने राष्ट्रीय व्योश्री योजना के बारे में डिस्कस किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को फिजिकल एड देने के लिए आई है, और इसका जो फंड है वो होगा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन है पहला हुआ है टाइगर सेंसस 2018 के बारे में। तो आपको बता रहा है कि टाइगर सेंसस 2018 के बारे में पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह वाइल्ड, जो पूरे वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ है उसका सबसे बड़ा एक तरीके सेंसस है, मतलब सबसे बड़ी जनगणना है टाइगर्स की। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि इसमें भूटान, नेपाल और बांग्लादेश है, उनका उन स्टेट्स उन कंट्रीज का भी कोऑर्डिनेशन है वो लिया जाएगा। तो ये आपको बताना है, मतलब इसमें पड़ोसी देशों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक तरफ जो आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन है सहयोग है वो लिया जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो आपको बताना है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं हम कल के क्वेश्चंस की। तो कल का क्वेश्चन था वो था ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक UN की एजेंसी है, इसे 1919 में बनाया गया था और इंडिया इसका पार्ट है। तो वो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट उसमें बिल्कुल सही थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था वो था ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई भी। तो वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम, जो कि मेनली हमने डिस्कस भी की थी कल कि इसमें मेनली जो भी साइंस एंड टेक के स्टूडेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक स्ट्रीम के, उनको एक्चुअली PhD के लिए गवर्नमेंट है वो फंड है, फाइनेंशियल एड है वो देगी। इसके बाद में हमने देखा पोस्को एक्ट का क्वेश्चन था। तो देखो पोस्को एक्ट है यह मेनली, इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन हुआ है 0 से 18 साल। तो एक तो यहाँ में कन्फ्यूज नहीं होना है, चाइल्ड की डेफिनेशन में 0 से 18 साल तक को चाइल्ड है वो काउंट किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था वो था कि इसमें मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज को काउंट किया जाता है दोनों को, तो वो गलत है, इसमें केवल और केवल बायोलॉजिकल एज को ही काउंट किया जाता है, मेंटल एज को काउंट नहीं किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन था वो था अग्नि सेकंड मिसाइल के बारे में। तो देखो अग्नि सेकंड जो मिसाइल है,
अग्नि सेकंड मिसाइल है, इसमें पहला स्टैंडिंग दिया गया था कि यह रिसेंटली से आर्म फोर्स में एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे 2003 में आर्म फोर्स में इंट्रोड्यूस है वो किया गया था, और मेरी 1999 में से बनाया गया था। दूसरी बात यह आती है, उसमें स्टेटमेंट दिया गया था कि यह पहली मिसाइल है जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमें ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।